चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास है, कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी नंबर है, तो उसका लेफ्ट राइट मिड लेन कैसे निकालते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर का हमें लेफ्ट साइड के नंबर ज्ञात करने हैं, राइट के, मिड के, लेन के, तो कैसे करते हैं। चलिए पता करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला लगाया, इक्वल किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट, और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। कामा लगाया, कितनी वैल्यू हमें पता करना है दाएं बाएं साइड से, 5 वैल्यू हमें पता करना है, तो 5 किया, ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। अब देखिए 5 वैल्यू निकल आई, 9 8 7 6 5, कितनी वैल्यू हो गई, 5 वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हम माउस यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो पूरी वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल आई। ऐसे ही हमने क्या किया, राइट का किया, नहीं दाएं से हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, राइट करेंगे, इक्वल राइट किया, वैल्यू सेलेक्ट किया, कामा लगाया, कितनी वैल्यू हमें पता करना है, 4 वैल्यू। राइट साइड से हमें क्या करना है, 4 वैल्यू पता करना है, तो यहां पे हमने 4 लिख दिया और ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। अब ये देखिए यहां पे क्या हुआ, बाएं साइड से 4 वैल्यू आ गया, ये देखिए 4 3 2 1, 4 वैल्यू यहां आ गया। इसको में हमने माउस से क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, आ गया। नेक्स्ट आता है मिड, इक्वल किया, मिड यहां पे वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, कामा लगाया, किस वैल्यू से हमें पता करना है, हमें 4 वैल्यू से पता करना है, कामा लगाया, कितनी वैल्यू हमें पता करना है, 4 के बाद हमें करना है 5 वैल्यू, हमने यहां पे 5 लिख दिया और यहां पे ब्रेकेट क्या कर दिया, क्लोज करके इंटर कर दिया। अब 4 वैल्यू छोड़ के 5 वैल्यू देखिए यहां पे आ गई, 6 5 4 3 2 1, कितनी वैल्यू आ गई, 5, और कहां से आई, 4 वैल्यू से। अब यहां देखिए यहां पे हमने क्या किया, 9 8 7, ये 3 वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो 6 मतलब चौथी वैल्यू से हमें यहां पर निकालना है, यानी जो नंबर हम यहां पर डालेंगे उस नंबर से यहां आएगा। तो हमने 4 डाला था, तो 9 8 7, 3 वैल्यू ये हो गई और चौथे नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। यहां से लेके हमें कितने नंबर लिखना है, 5 वैल्यू, तो वहां से लेके हमने 5 वैल्यू यहां पे आ गई। यहां पे हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया माउस, ये आ गया। नेक्स्ट है इक्वल लेन, इक्वल लेन किया और हमने इस पे सेलेक्ट कर दिया वैल्यू, ब्रेकेट क्या कर दिया, क्लोज करके इंटर कर दिया। अब इस सेल में कितने वैल्यू लिखे हुए हैं, 9, नहीं कितने नंबर लिखे हुए हैं, 9 नंबर हैं, ये हमने ब्रेकेट करके क्लोज कर दिया। दूसरे में कितने हैं, 10 है, तीसरे में कितने हैं, 9 है, इसमें कितने हैं, चौथे नंबर पे 10 है। ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसको भी पता करना है, तो हम यहां पर ड्रैग कर देंगे, ये निकल आएगा, 13 नंबर इसमें है, 14 इसमें है, विथ स्पेस, ये स्पेस लेके बात कर रहा। अब यहां पे क्या करना है, नेक्स्ट है अगर आपको यहां पता करना है कि लेफ्ट से आपको 5 वैल्यू पता करना है, तो इसको भी हम माउस से देखिए ड्रैग कर देते हैं, ये निकल आया, 5 वैल्यू आ गई, SBIT 4 वैल्यू हो गई, उसके बाद स्पेस लगा हुआ है, पांचवी वैल्यू वो हो गई। प्रदीप में देखिए PRADE आ गया, 5 वैल्यू आ गई। ऐसे आपको पता करना राइट से, तो हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए यहां से राइट से कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। मिड से पता करना है आपको, तो ये देखिए मिड से आ गया कि आपकी 4 वैल्यू छोड़ के, यानी 4 वैल्यू से आपको लिखनी, यानी चौथी वैल्यू से आपको लिखनी है कितने, 5, तो यहां पे आ गया देखिए T आ गया, COM, 4 वैल्यू ये हो गई आपकी, और स्पेस बीच में आ गया, 5 वैल्यू हो गया। और ऐसे यहां पर DEEP दीप आया और उसके बाद स्पेस है, 5 वैल्यू हो गई ये। तो ये आपका आज का फार्मूला हो गया, लेफ्ट राइट मिड और लेन। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।